हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। इन सभी डिवाइसेस में आपको 5G टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है और सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अलावा 120Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5वें नंबर डिवाइस से। वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। बात करें इस डिवाइस की फीचर्स के बारे में, इसमें आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस बजट के रेंज के डिवाइस में 120Hz का रिफ्रेश रेट तो मिलना चाहिए था, लेकिन AMOLED पैनल में आपको अच्छे कलर्स एंड ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर। इसी के साथ हमें UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है। इस रेंज के डिवाइस में परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी बाकी डिवाइस के मुकाबले, क्योंकि UFS 2.1 की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। रियर में आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5MP का मैक्रो। इसके अलावा 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा 4300mAh की बैटरी मिलती है। नॉर्मल यूजेज में आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप एक हेवी यूज़र हो या फिर गेमिंग करते हो तो आपको उतनी अच्छी बैटरी बैकअप नहीं मिलेगी। डिवाइस को चार्ज करने के लिए हमें 65W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। 8GB रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरियंट आपको 29,999 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। बात करें फोर्थ डिवाइस की, वो है वीवो की तरफ से वीवो V20 Pro। इस डिवाइस में भी आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको काफ़ी अच्छे कलर्स एंड ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं। बात करें प्रोसेसर की, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट मिलता है। इस डिवाइस में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिवाइस में हेवी गेमिंग एक्सपेक्ट करते हो तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। नॉर्मल यूजेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डिवाइस का मेन हाईलाइट है इसका कैमरा। तो चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं इस डिवाइस के कैमरास पे। रियर में आपको 64+8+2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64MP का मेन कैमरा, 8MP का वाइड, मैक्रो एंड बुके, ये तीनों फीचर्स आपको इनबिल्ट ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट में 44+8MP का डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसमें आप बहुत ही अच्छे सेल्फीज खींच पाएंगे। कैमराज में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर आप कैमरा कॉन्सेंट्रिक डिवाइस लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसके अलावा 4000mAh की बैटरी मिलती है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। नॉर्मल यूजेज में आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा। 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट आपको 28,999 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे डिवाइस की। वो है पोको F3 GT। बेसिकली ये डिवाइस गेमिंग कॉन्सेंट्रिक फ़ोन है, जो गेमर्स से उनको काफ़ी पसंद आएगा। इस डिवाइस में भी आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट मिलता है। इसके अलावा UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। प्रोसेसिंग स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इस रेंज में अगर आपको गेमिंग के लिए डिवाइस परचेज करना है तो इस डिवाइस को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा रियर में 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2MP का मैक्रो। फ्रंट में 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। 5065mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 26,999 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सेकंड पोजीशन पे हमने रखा है Xiaomi की तरफ से MI11X। इस डिवाइस में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे आपको डिस्प्ले में स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 1300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको सनलाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। बात करें प्रोसेसर की,
इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिलता है। UFS 3.1 की स्टोरेज सपोर्ट मिलती है, जिसमें आपको प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे। रियर में 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5MP का टेली मैक्रो लेंस। फ्रंट में 20MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। बजट के हिसाब से एवरेज कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। इस डिवाइस में आपको एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन चाहते हैं तो इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 128 की डिस्प्ले मिल जाती है। ऊपर से एमोलेड पैनल मिलता है, जिसमें आपको कलर्स एंड ब्राइटनेस काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिलती है। प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा मिलता है, जिसमें आप हेवी गेमिंग कर पाएंगे। 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 29,999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर वन स्मार्टफोन के बारे में। वो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट 2। इस डिवाइस में आपको 6.43 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। एमोलेड पैनल में आपको काफ़ी अच्छे ब्राइटनेस एंड कलर्स देखने को मिलते हैं। बात करें प्रोसेसर की, इसमें आपको मिलता है डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट। UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। इस डिवाइस में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बात करें कैमरास की, इसमें आपको मिलते हैं रियर में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2MP का मोनो लेंस। फ्रंट में 32MP का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है। सेल्फी में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस रेंज के हिसाब से कैमरास में आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। नॉर्मल यूजेज में आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट आपको 29,999 के प्राइस में मिल जाता है। सो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? आपको कौन सा डिवाइस अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।